स्वच्छ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बहुत बहुत मोदी जी ने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अयोध्या धाम बनाया, और सिर्फ अयोध्या धाम के लिए। एक बात और मैं आपके बीच में रखूं, इसके बाद कुछ नाम है सम्मानित करना, बहुत प्रभावशाली आपके साथ रूबरू होना है। मैं चाहूंगा रेणु को हमारे यूपी की माताओं बहनों का, बिहार की माताओं बहनों का, आपने बड़े यूपी से आए बिहार से है, तो हमारा क्या पंच बनता है? कुछ बनता है कि भगवान करे कभी भी हमें अयोध्या जाने का मौका मिले। भगवान जी से अगर है कि तुम्हारे लिए जिसने मुझे टेंट से बाहर निकाला और आज मुझे मेलों में बिठाया है, उसके लिए तुम लोग एक जीत आप ही हमारी और पंजाब की जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सोच के पूरे पंजाब में एक नगीना जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उन्हें भी पता होगा कि एक ऐसा नगीना है जो हर एक की बात सुनता है। और आइए पंख लगा विकास को, गौर से सुनिएगा, आनंद आएगा। गुलशन गुलशन धरती पे स्वर्ग न देखा, जिसने स्वर्गीय धरती पर स्वर्ग न देखा वे जाके देखे अयोध्या धाम को, वे जाके पंजाब के धरती को विकास के लिए। आपका बहुत बड़ा योगदान, आपके योगदान से पंजाब का। तो एक बार हमारा साथ दीजिएगा, चलो हमारे खड़ा करके आपके हमारे साथ दीजिएगा। भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। अब आए जो मैं चाहता हूँ दिनेश जी मंच पे आए। आज के इस रैली के कार्यक्रम में दिनेश जी का अब तक दिनेश जी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वह मंच पे आवे और उनका सम्मान हमारा सम्मान आपके दिल में। आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं, साधु पारस हीरा 24 कैरेट सोना, नरेंद्र भाई मोदी की कोई बोल नहीं, कोई मोल नहीं। और वाकई उस इंसान का कोई कोल और मोल नहीं। देखा ये मोदी जी को कौन लोग रहे हैं, पंजाब से खा लो थोड़ी आगे। मोदी जी अगले 10-12 दिन के लिए थोड़े को लुधियाने पहुंच रहे हैं। मोदी जी ते थोड़े नाल कल्ली कल्ली गल मोदी जी आके करनगे। भाई मैं ज्यादा बात करता हुआ मैं चाहूंगा जगमोहन जी आवे हमारे जिले से क्या है। मैं आ गई, आ गई। देखिए आप मिट्टी जोड़ से नारे लाओ, साथ में मंडल की ओर से बिट्टू जी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं
मैं कल से क्योंकि शाम को हम चार प्रोग्राम रखते हैं उसमें कोशिश करते हैं डील करें एक आधा सुबह करें कोई बीच में कहीं ना कहीं कोई एक आधा किसी के घर जाना पड़ जाता है तो वही 15-15 मिनट अगर लेट हो गया होगा तो जो आगे प्रोग्राम होगा उसमें देर रहेगा। मैं तो राजी आप भी होते हैं दोनों पानी क्योंकि तुम्हें मार घर घर करने के लिए घर खा के लोगों को लेके आने हो मैं तो फिर से प्रधानमान होगा तो तुम्हें असी लेट हो जाते हैं उल्टा लोग गुस्से हो जाते हैं कुछ नहीं होंगे लोग कहते हैं इतना कचरा टाइम लाया तो इस करके साढ़े मंच के सारिया सीनियर लीडरशिप इतने विराजमान तो मेरी बेनती थोनू ये जिन्हें भी कैमरे जिन्हें भी आ मोबाइल पूरा इस वे जो लोग मन बना चुके हैं जिस जिस लोगों ने वोट पाई पंजाबी ठीक है ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਵੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਕ ਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟ ਫਿਟ ਚੱਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ मैं कह रहा सी जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे कौन लेके आया सब तो तकड़ा लीडर देश का इस वे कौन आ मोदी जी से थोड़ा विश्वास है राहुल करते नहीं भारत माता की देखो इस बार पहली बार मोदी जी ने फैसला किया थोड़े सारे क्योंकि इतने फुल नहीं लड़ता बीजेपी नहीं लड़ती सी इलेक्शन झाड़ू लगता इस बार मोदी जी सारे पंजाब ने सामने एक जिसने बिठाया उनके प्रति हम सबका फर्ज है कि हम फूल के साथ वाला बटन दबा के कहना चाहोगे काफी समय कांग्रेस भी गिदा रहे लेकिन कांग्रेस तो बाद बीजेपी के मंच से देख रहे हैं कि कहना चाहोगे अद्धी जिंदगी कांग्रेस ने लगाई सेवा की है दिलों की है और आज साढ़े देश जरूरत है युवा जरूरत है क्योंकि सारा पंजाब इस वे खाली हो रहा है कारण की तो सारे उद्योग बाहर जा रहे हैं जेकर योगी जी की सरकार बनी है उन्होंने इस वेले योगी जी ने यूपी के पूरा रोजगार दिता है और यूपी के मैनू लगता कि जोड़ा पंजाब च ट्रेना भर के आदि ना हूँ बंद हो रही है क्योंकि लोगों को उत्तर रोज़गार मिल रहा और साडा सारा यूथ जोड़ा फॉरन जा रहा इसलिए मोदी सरकार का आना बहुत जरूरी है जेकर मोदी सरकार आती है तो साढ़े बच्चों रोज़गार मिलेगा सेंटर के भी उही सरकार होनी चाहिए तो स्टेट भी उही होनी चाहिए है तभी मैनू लगता कि तरक्की होंगी है कि लोग कहें कि बिट्टू जी 10 साल तो MP से उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह की करे सेंटर से तो सरकार है ही नहीं। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी थोड़े चैनल राही कि ये जड़ा इलैक्शन होंदा है ना MP का ये नैशनल सरकार बननी है जेकर स्टेट के
और अपना नेशनल सरकार सेम होंगी है तो हर जिहड़ा सूबा है वह कामयाब होगा। नहीं तो असं फिर तुहानू पता 27वें नंबर च पहुँच गया, अज पंजाब यूपी एक नंबर पर पहुँच गया। आने वाले टाइम च जे लोग अज नहीं जागे तो मैनू लगता फिर कभी भी नहीं जागा। विरोधी पार्टियां का नारा कहते भी 400 पार इस बार तुहाडा नारा है, वो कहते भी 200 रुपये पार पेट्रोल हो गया। पेट्रोल उ पिछू थानू पता है कि कच्चा माल जिस हिसाब न है तो उस हिसाब न ही मिलना अगों कोई बड़ी गल नहीं हैगी 200 रुपये पेट्रोल वाली। लेकिन सब तो वड्डी है कि साड़ी जेड़ा इस वेले पूरी दुनिया के इंडिया का नाम होया वो भी तो तुसी देखो नाल नाल अजकल हर किसी को आईफोन है, हर कोई तरक्कियां ते है। लोगों लिए मायने नहीं रखता, लोगों लिए इस वेले मायने रखता है इत्थे इंडस्ट्री आनी, इत्थे बच्चों लिए कारोबार आना, वो सब तो वड्डा मायने रखता। बहुत वधिया आ तुसी देख लो एक भी हिल नहीं रहा, साढ़े 6 बजे से बैठे हुए हैं, 8:30 हो गए और पूरी श्रद्धा नाल मैं 4 दिन हो गया डोर टू डोर करदे नूं, जिहड़ा भी दरवाजा से टच करदे हर कोई कहता जी कोई नहीं पावा। ਟਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੁਖੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਡੋ ਕਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਫੂਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ। ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣ ਵਾਣ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਵਰਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਤਾਂ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਕੈਸੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਮੇਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਬ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਏ ਤੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? अदला बदली नहीं कर रहे, आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? जैसे कांग्रेस के कमलजीत बराड़ खड़ रहे हैं लुधियाना से, आजाद खड़ रहे हैं, पहला कांग्रेस के टिकट नहीं मिले तो आजाद खड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, मैं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि लोग ज़्यादा प्रेरित मोदी जी की सोच से हो रहे हैं, उनके कामों से हो रहे हैं, तो ज़्यादातर ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। अच्छा, पंजाब का जो मुकाबला है, भगवंत मान जी का नारा है 13-0, क्या समझते हो? क्या नारा? भगवंत मान जी का नारा है 13-0, भी 13-13 सीटें पंजाब की। करनी और कथनी में पहले भी उनके फर्क रहा है, आगे देखते हैं क्या रहेगा।